क्या कहा अमिताभ बच्चन ने टाइगर श्रॉफ की तारीफ में? अक्षय कुमार के फैंस क्या नाराज हैं उनकी पान मसाला की एड से? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियो। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो की जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ पार्ट 2 के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। टाइगर श्रॉफ इन दिनों उनकी अपकमिंग फिल्म हीरोपंती 2 से काफी चर्चाओं में रहे हैं। उनके डांस मूव्स, फ्लेक्सिबिलिटीज और अपने एक्शन से उन्होंने सबका दिल जीत लिया है और सबको इम्प्रेस भी किया है। सिर्फ उनके फैंस ही नहीं बल्कि हमारे अमिताभ बच्चन भी उनके छोटे मियां यानी कि टाइगर श्रॉफ से इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक किक मारने वाली पोस्ट शेयर की थी। फिर उन्होंने कैप्शन में ये लिखा कि सीइंग टाइगर श्रॉफ गेटिंग ऑल दोस नंबर्स ऑफ लाइक through his capabilities, I thought I will also give it a try in the hope of getting even a small percentage of likes. फिर उसी पोस्ट को रिपोस्ट कर टाइगर श्रॉफ ने उनको रिप्लाई दिया कि वो इतने देश के सबसे बड़े एक्शन स्टार से तारीफ पाकर काफी खुश है। जल्दी टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां फिल्म की मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है जो कि गोविंदा और अमिताभ बच्चन की फिल्म रीमेक है, जिसमें छोटे मियाँ का किरदार टाइगर श्रॉफ निभा रहे हैं और बड़े मियाँ का किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं। और खबरों की माने तो टाइगर श्रॉफ पूजा एंटरटेनमेंट के साथ उनकी फिल्म गणपत के साथ भी वो काम कर रहे हैं और उनकी एक और फिल्म भी आने वाली है जो कि है रिलीज डेट की अनाउंसमेंट काफी जल्दी होने वाली है और वो किसी पुरानी एक्शन मूवीज की रीमेक फिल्म होने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं बड़े मियां यानी कि अक्षय कुमार की। हाल ही में उन्होंने एक एड की थी जो की थी पान मसाला इलायची एड के ऊपर। दर्शकों ने उस एड को काफी नाराजगी दिखाई थी, अक्षय कुमार की फैन फॉलोइंग भी काफी कम पड़ गई थी और उस एड में अक्षय कुमार के साथ अजय देवगन और शाहरुख खान भी मौजूद थे। अक्षय कुमार को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हेट मिला। फिर उसी हेट को, उसी नाराजगी को दूर करने के लिए अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर कहा कि मैंने उस एड से और उस कंपनी से कनेक्शन तोड़ दिए। उस एड को करने के बाद उनको काफी हेट मिलता रहा। फिर उस हेट को देखने के बाद और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार ने अपने वेल विशर्स और अपने फैन से माफी भी मांगी। फिर उसके बाद उन्होंने एक और बार फिर ये दिखा दिया कि उनके फैंस ही उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन पर हमें ये बता दीजिए कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की जोड़ी को देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे बॉलीग्रैड स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ।